जय भोलेनाथ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुग्रीव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु महादेव रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में। आज मैं आपके लिए दोस्तों एक 2 BHK का फ्लैट लेकर आया हूं। बहुत प्यारा और अच्छी मेकिंग के साथ आपको ये फ्लैट मिलता है। मोहन गार्डन का ये एरिया है दोस्तों। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इसका द्वारका मोड़ है। मेन मेट्रो लाइन से ये अप्रोक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है दोस्तों। इस बिल्डिंग के जो सामने की लेन है दोस्तों वो 25 फीट की है और जो बैक लेन है वो दोस्तों करीबन 10 फीट की है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बिल्डिंग का साइज बहुत अच्छा है दोस्तों। 100 स्क्वायर यार्ड की बिल्डिंग है, 20 फीट का इसका फ्रंट है और 45 फीट की इसकी गहराई है। फ्रंट वाइड होने की वजह से इस बिल्डिंग का जो नक्शा निकला है, जो इसका जो लेआउट प्लान निकला है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा है, आपको ज़रूर ही पसंद आने वाला है। और उस लेआउट प्लान में जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि 2 BHK फ्लैट में अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे जो बेडरूम्स हैं वो एक बेडरूम हमारा पीछे की तरफ होता है, लेकिन इस 2 BHK फ्लैट में हमारे दोनों ही बेडरूम फ्रंट की तरफ हैं दोस्तों। एक बेडरूम का एक्सेस बालकनी से है और दूसरे में काफ़ी बड़ी विंडो आपको बालकनी के साथ अटैच मिलती है, जिससे आपका जो वेंटिलेशन है आपकी फ्लोर के अंदर, आपके बेडरूम्स के अंदर आपको प्रॉपरली मिलता है, सनलाइट आपको प्रॉपरली मिलेगी। और दोस्तों वाइड फ्रंट होने की वजह से जो बिल्डिंग का ओवरऑल गेटअप है, जो फ्लैट की जो परफेक्ट मेकिंग है, वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, लोन आपका इजीली हो जाएगा 80-90%। लिफ्ट इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है दोस्तों। और इसके अलावा जो बिल्डिंग की सराउंडिंग लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है और बढ़िया है दोस्तों। आपको यहाँ पर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिल जाते हैं, 3 बड़े बड़े स्कूल यहाँ नियर बाय हैं, आपको बैंक यहाँ नियर बाय मिल जाता है, लोकल मार्केट यहाँ नियर बाय मिल जाती है, तो आपके डेली नीड की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक और ख़ास बात है और वो ये है कि फ्लैट आपको काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट पर मिल जाता है। सिर्फ और सिर्फ 21,50,000 रुपये में आपको दोस्तों 10 फीट की लेन की तरफ का जो हमारा 2 BHK फ्लैट है वो मिल जाता है, और अगर आप जाते हैं 25 फीट लेन की तरफ तो आपको 23.50 यानी कि 23.5 लाख में 2 BHK फ्लैट मिल जाता है। तो दोस्तों कम कीमत पर काफ़ी अच्छा वाइड फ्रंट का रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के साथ विद कार पार्किंग आपको फ्लैट मिलता है, तो इतना अच्छा मौका दोस्तों बार बार 2 BHK फ्लैट लेने का नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी विजिट आपके इस फ्लैट की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे फ्लैट की एंट्रेंस से। स्टेयर से ऊपर आने के बाद हम लोग एंट्री करते हैं अपने फ्लैट के अंदर। दोनों ही फ्लैट जो 25 फीट लेन की तरफ है और जो दोस्तों हमारा 10 फीट की लेन की तरफ है, दोनों ही आमने सामने हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे 25 फीट लेन की तरफ के फ्लैट के बारे में, क्योंकि जो सैम्पल फ्लैट रेडी हुआ है वो दोस्तों यही रेडी हुआ है।
बाकी बिल्डिंग में जो फ्लैट्स हैं दोस्तों उनकी पोजीशन भी आपको हम लोग विद इन अ मंथ और 45 डेज दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने विजिट आपके फ्लैट की। सबसे पहले हम लोग एंट्री करते हैं हमारे लिविंग स्पेस के अंदर। लिविंग स्पेस काफ़ी अच्छा दोस्तों बनाया गया है, करीबन 9.5 फीट बाय और लगभग दोस्तों 14 फीट का हमारा ये लिविंग स्पेस है। लिविंग स्पेस में दो वॉल्स को डिज़ाइनर किया गया है दोस्तों, दोनों पर 3D वॉलपेपर्स लगाए गए हैं। फॉल सीलिंग के डिज़ाइन यहाँ काफ़ी अच्छे किए गए हैं दोस्तों। इस तरफ हमारा LED पैनल हमें मिलता है। सोफे की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ काफ़ी अच्छी आपको मिलती है दोस्तों। आप L टाइप का सोफा यहाँ पर लगा सकते हैं और सोफे पर बैठकर आप अपना TV शो सामने LED पैनल पे TV लगा कर इंजॉय कर सकते हैं। LED पैनल भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा बनाया गया है दोस्तों। LED पैनल आजकल मल्टीपर्पज़ होता है, हर हमारे फ्लैट में आप देखते होंगे कि ड्रॉजेस भी दी जाती है, साथ में दोस्तों एक छोटी सी बुक शेल्फ भी होती है, बुक्स अगर आपको रखनी हो तो। और उसके अलावा आपको अगर आपको कोई डेकोरेटिव आइटम रखना है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर स्पेस यहाँ पर मिल जाता है। साथ में LED लाइट है दोस्तों, जिससे कि आपकी LED पैनल की गेटअप है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। इस फ्लैट के अंदर दोस्तों हम आपको फैन भी लगा कर दे रहे हैं। टाइल की क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो हमारे हर फ्लैट की तरह यहाँ भी जो टाइल्स की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी इस्तेमाल की गई है। स्क्रैचलेस ये टाइल्स हैं दोस्तों, लॉन्ग लास्टिंग टाइल्स हैं, आपको सालों साल प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा दोस्तों सिक्योरिटी रीजन से हम लोगों ने आपको जो ऑडियो डोर फोन है ये भी आपको मिलता है, यहीं से आप अपना जो मेन गेट है उसे ओपन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस के बाद हर बार की तरह अब हम बात करेंगे हमारी किचन के बारे में। तो लिविंग स्पेस के ठीक साथ दोस्तों हमारी किचन है। किचन में जैसे हम लोग एंट्री करते हैं हमें L टाइप का टॉप मिलता है दोस्तों, नीचे और ऊपर हमें प्रॉपर स्टोरेज मिलती है सामान रखने के लिए। अंदर और बाहर माइका का दोस्तों प्रॉपर इस्तेमाल यहाँ पे आपको मिलता है। चारों तरफ दोस्तों किचन के अंदर आपको टाइल मिलेंगी करीबन 4 फीट की हाइट तक, जिससे कि आपकी टाइल्स गंदी ना हो। इस तरफ दोस्तों आपको आपका फ्रिज रखने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलता है। किचन में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए यहाँ काफ़ी बड़ी शाफ्ट दी गई है दोस्तों, तो आपको प्रॉपर जो वेंटिलेशन है एयर फ्लो वो मिलता रहेगा यहाँ पे। बर्तन साफ करने के लिए जगह इस तरफ दी गई है। देन यहाँ आपको चिमनी लगाकर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये सेमी मॉडुलर किचन है। तो ये थी दोस्तों हमारी किचन। किचन के बाद अब हम लोग बात करेंगे हमारे पहले बेडरूम के बारे में। ये है दोस्तों हमारा पहला बेडरूम। बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा है, करीबन 10.5 बाय दोस्तों और ऑलमोस्ट 10 फीट का इसका साइज है। इस बेडरूम के अंदर आपको एक डिज़ाइनर वॉल मिलती है दोस्तों, आप देख सकते हैं। सीलिंग के डिज़ाइन यहाँ भी आपको परफेक्ट और प्रॉपर मिलते हैं दोस्तों, विद LED लाइट एंड कॉब लाइट, और यहाँ भी आपको एक फ़ैन इंस्टॉल करके हम लोग देंगे। इस तरफ दोस्तों आपको काफ़ी बड़ी वार्डरोब मिल जाती है जो कि ऑलमोस्ट रूफ हाइट तक की है। इसे दो पार्ट्स में बनाया गया है, ऊपर और नीचे। आप देख सकते हैं कि ऊपर आप एक सेपरेट क्लोथिंग रख सकते हैं और नीचे दोस्तों अपने अलग तरह से कपड़े रख सकते हैं, जबकि नीचे भी आपको प्रॉपर एक ड्रॉज मिलती है जिसमें आप अपने शूज़ रख सकते हैं। इस रूम के अंदर दोस्तों आपको विंडो भी मिलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे दोनों ही रूम्स में प्रॉपर वेंटिलेशन है और वो बाहर की तरफ है, तो इस रूम में काफ़ी बड़ी विंडो आपको मिल जाती है। सबसे पहले बात करेंगे AC सेक्शन की, तो यहाँ पर आपको 1.5 या 2 टन तक का दोस्तों AC लगा सकते हैं। विंडो दोस्तों आप देखेंगे कि जो जाली वाली विंडो है वो भी यहाँ आपको मिलती है, देन बीच में सेफ्टी ग्रिल मिलती है, और उसके बाद जो विंडो है वो आपको ग्लास वाली मिलती है दोस्तों। दिल्ली में मच्छरों का बड़ा आतंक है आप लोग जानते हैं दोस्तों, तो इसीलिए जो जाली वाली विंडो है वो आजकल लगभग हम लोग हमारे हर फ्लैट के अंदर लगा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बालकनी की। ये है दोस्तों हमारी बालकनी। बालकनी का साइज़ काफ़ी अच्छा है, आप देखेंगे करीबन 11 फीट बाय और लगभग 3.5 फीट का बालकनी का साइज़ है। इस तरफ आपको वॉशिंग सेक्शन मिलता है, आपको टैब मिलता है, स्विच एंड सॉकेट मिलती है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो स्टील की रेलिंग है वो हमारे हर बिल्डिंग की तरह यहाँ भी आपको 304 का स्टील मिलता है। अगर हम बात करें हमारी एलिवेशन की बिल्डिंग की, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर टाइल वर्क यूज़ किया गया है, तो इसमें सालों साल दोस्तों आपकी बिल्डिंग की जो लुक है, आपकी जो बालकनी की लुक है, जो गेटअप है आपकी बिल्डिंग की, वो कभी भी ख़राब नहीं होने वाली। और एक और अच्छी बात है दोस्तों, मैं बाहर की सड़क आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऑलमोस्ट 25 फीट की सड़क है दोस्तों, और आज ही ये सड़क बन रही है आपके सामने दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो जब आप आएंगे देखने के लिए तो आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छी सड़क आपके फ्लैट के सामने मिलेगी। तो ये थी दोस्तों हमारी बालकनी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम के बारे में।
ये है दोस्तों हमारा सेकंड बेडरूम जो कि हमारा मास्टर बेडरूम भी है, इसके साथ हमारा वॉशरूम अटैच है दोस्तों। इस बेडरूम में भी जो इसका साइज है ऑलमोस्ट 10 फीट बाय 10 फीट का है। यहाँ भी आपको एक वॉल डिजाइनर मिलती है। इस रूम में भी फॉल सीलिंग के प्रॉपर डिजाइन आपको मिलते हैं और यहाँ भी हम आपको फैन लगाकर दे रहे हैं दोस्तों। इस रूम में आपको एक वार्डरोब मिलती है, ये हमारे इस फ्लैट की दूसरी वार्डरोब है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी वार्डरोब है, प्रॉपर सामान रखने का आपको स्पेस मिलता है नीचे भी और ऊपर भी। इसको भी उसी तरह से तीन सेक्शन में बनाया गया है दोस्तों। नीचे ड्रॉज है, बीच में बड़ी वार्डरोब है और ऊपर अलग सेक्शन है। आप जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कभी कभार यूज करने के होते हैं तो वो आप ऊपर इजिली रख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस तरफ इस रूम में भी आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिल जाती है, प्रॉपर वेंटिलेशन का स्पेस मिलता है। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1.5 या 2 टन का एसी आप लगा सकते हैं। और ये जो कोना है दोस्तों, आपने पहले भी वीडियो में देखा होगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो स्पेस है ये बड़े काम का है। यहाँ आप बच्चों के लिए स्टडी टेबल लगा सकते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी अपना सेटअप यहाँ पर लगा सकते हैं, बुक शेल्फ रख सकते हैं। ये कोना आप प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस तरफ बेड आने के बाद 6x6 का बेड आने के बाद भी आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है इन सब चीज़ों के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अटैच वॉशरूम के बारे में। यहाँ दोस्तों हमें हमारा अटैच वॉशरूम मिलता है जिसका साइज करीबन 6 फीट बाय और लगभग दोस्तों 4 फीट का है। रूफ हाइट तक की टाइल्स यहाँ में मिलती हैं। फिटिंग सारी प्रॉपर और जेन्युइन लगाई गई हैं दोस्तों, सारी ISI मार्का हैं। डाइवर्टर्स की फिटिंग भी यहाँ आपको मिलती है और इस वॉशरूम के अंदर ऊपर विंडो भी दी गई है जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं और आपको जो सनलाइट है वो भी प्रॉपरली मिलेगी, रोशनी प्रॉपरली आपके वॉशरूम में मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे कॉमन वॉशरूम के बारे में। बाकी पूरा फ्लैट मैं आपको दिखा चुका हूँ, सिर्फ कॉमन वॉशरूम ही हमारा पेंडिंग है। कॉमन वॉशरूम में भी दोस्तों डिफरेंट कलर की और डिफरेंट शेड की टाइल्स यहाँ लगाई गई हैं। यहाँ भी रूफ हाइट तक की टाइल्स आपको मिलती हैं और सारी फिटिंग्स आपको क्वालिटी की मिलेंगी यहाँ भी आपको। और इसके साथ दोस्तों शाफ्ट अटैच है तो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम भी आपके इस वॉशरूम में आपको नहीं आएगी। और इस वॉशरूम में भी दोस्तों जो शावर है वो क्वालिटी का है और डाइवर्टर यहाँ इस्तेमाल किया गया है। तो ये था दोस्तों हमारा 2BHK का फ्लैट जो कि वाइड फ्रंट का है और सामने की रोड भी आप लोगों के स्वागत के लिए बिल्कुल नई बनी है। तो दोस्तों आइए विजिट कीजिए, आपको ये फ्लैट ज़रूर पसंद आने वाला है। विद कार पार्किंग है जैसे कि मैंने आपको बताया और इस बिल्डिंग में हमारे पास 2 वेरिएंट हैं, एक 21,50,000 रुपये का और एक 23,50,000 रुपये का। तो जो भी फ्लैट आपके बजट में फिट होता हो उस फ्लैट के लिए आप जा सकते हैं। पूरी बिल्डिंग में सभी की एंट्री दोस्तों फ्रंट से है, सिर्फ जो बालकनी का डिफरेंस रह जाता है कि एक की बालकनी वाइड फ्रंट की तरफ है और एक की बालकनी 10 फीट की लेन की तरफ है, वो दोस्तों कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप डिसीजन ले सकते हैं दोस्तों, हम लोग आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर हैं। तो आप आइए दोस्तों, आप विजिट कीजिए। कोविड का टाइम चल रहा है दोस्तों और हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं कि आप लोगों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो हमारे ऑफिस को हम लोग डेली दिन में कम से कम 4 या 5 बार प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जितना भी हमारा स्टाफ है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब का हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं और दोस्तों प्रॉपर सैनिटाइज करने के बाद ही उन लोगों को हम लोग एंट्री करते हैं। इनफैक्ट जितने भी विजिट के बाद हमारे जो एम्प्लॉयज़ ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं तो उनको भी हम दोबारा से सैनिटाइज करते हैं। तो आप दोस्तों बेफिक्र रह सकते हैं और आप निश्चिंत होकर हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा। आप विजिट कीजिए, हम लोग आपको प्रॉपर फिजिकल विजिट इस फ्लैट की करवाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।